मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाली साक्षी मिश्रा की शादी के मामले को लेकर नई खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और उसका पति अजितेश बुधवार सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश हुए। बुधवार सुबह 10 बजे से पहले ही दोनों बेहद गोपनीय तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे और अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने थंब इम्प्रेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन की बाकी औपचारिकताएं मात्र 3 से 4 मिनट में ही पूरी कर ली और तुरंत ही वापस निकल गए। इस दौरान साक्षी और अजितेश को बड़े ही गोपनीय तरीके से पुलिस के कड़े पहरे में रजिस्ट्रार ऑफिस लाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से इस दौरान दोनों लोगों को मीडिया से भी दूर रखा गया। बता दें कि इससे पहले विधायक राजेश मिश्रा की बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत की थी कि कुछ लोग उसके पिता के साथ ही ससुराल के लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं। साक्षी मिश्रा ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर ये शिकायत की थी। साक्षी ने कहा था कि उनके विधायक पिता और ससुराल वालों के बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, कृपया इस पर रोक लगाई जाए। दरअसल बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी ने 3 जुलाई को अपने भाई विक्की के दोस्त अजितेश से लव मैरिज की थी। इस शादी के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके बरेली SSP से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मीडिया के कई टीवी चैनलों पर भी इसे लेकर लंबी बहस चली थी। साक्षी ने विधायक पिता और उनके साथियों से अपनी जान को खतरा बताया था। हालांकि विधायक ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो साक्षी और अजितेश से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते हैं। इसके बाद से ही बरेली पुलिस के 2 गनर इनकी सुरक्षा में स्थायी रूप से लगा दिए गए थे। पहली बार बरेली आए इस कपल की जानकारी पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बड़ी गोपनीय रखी थी। न्यूज़ डेस्क।